Hello everyone, welcome back to this channel Study with Deepshikha, and I am here to share a good news with you all people. That is, I am selected in Azim Premji University, Bangalore in MA in Development program. So the journey was not so easy, so I am here to suggest you and guide you that what you should study for clearing the entrance test of Azim Premji University, Bangalore. I will speak in both Hindi and English language, that is Hinglish, so that every people can understand and we can connect more. So let's start. For preparing for master program in Azim Premji University, Bangalore, yes, you don't have to stress much, but you have to prepare little by little, okay? तो ज़्यादा भी टाइम का ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अब आप अगले साल एग्ज़ाम दोगे 2023 में, सो वी हैव वन ईयर नाउ, तो दैट इज़ इनफ, ओके? आप लास्ट 6 महीना में भी प्रिपेयर करोगे तो वो प्रिपरेशन हो जाएगा. अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो वन ईयर पहले से तो और अच्छी बात है, ओके? ऐसे लास्ट 6 मंथ में मैंने प्रिपरेशन लिया था और लास्ट 6 मंथ में प्रिपेयर करने से हो जाता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वही सेम सब्जेक्ट मास्टर प्रोग्राम्स के लिए भी होते हैं, वो सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, बट उतना टफ भी क्वेश्चंस नहीं होते जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के होते हैं, या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए थोड़ा क्वेश्चंस इजी होता है. तो आपको पढ़ना पड़ेगा करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, देन इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें पढ़ना पड़ता है. आई एम अ स्टूडेंट हु इज वेरी वीक इन मैथ्स, सो मुझसे मैथ्स तो बिल्कुल बनता ही नहीं था. तो अगर आप लोग का भी ऐसा कोई एक सब्जेक्ट है जो वीक है, तो ठीक है, वीक को स्ट्रांग तो करना है और स्ट्रांगर को और स्ट्रांग करना है, क्योंकि और कोई सब्जेक्ट तो होंगे ना जो आपके स्ट्रांग होंगे, तो वीक को स्ट्रांग करना है, स्ट्रांगर को और स्ट्रांग करना है, ओके? तो बात है कि बोलने का तो सब बोल देते, तो उसको कैसे करना है. तो जो जैसे कि आपको मेरा था कि मैथ्स उतना नहीं बनता था या बनाने का मन नहीं करता, तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा बनाती थी, बट जो करेंट अफेयर्स पार्ट था वो मेरा अच्छा था और मुझे वो पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता था, तो मैं करेंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ती थी, उसे डेली बेसिस पे देखना स्टार्ट की, एंड मैंने कम्प्लीटली एक साल करेंट अफेयर्स पूरे अच्छे से देखा. एंड मैथ्स को थोड़ा थोड़ा करती थी जब मन करता था, क्योंकि मैथ्स 10th तक के लेवल का ही आता है, तो बहुत टफ नहीं होता है, वो बेसिक्स मैथ्स है, और जिसका मैथ्स अच्छा है तो उसके लिए और भी अच्छी बात है. दिस ईयर द इंटरव्यू वॉज इन अ ऑनलाइन मोड, तो अगले साल क्या होगा वो तो पता नहीं, बट यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू अ ऑफलाइन मोड, कि आपको सोच के रखना कि ऑफलाइन में होगा, आप ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, क्योंकि हम लोग को तो लगा था कि हम लोग का ऑफलाइन ही होगा, बट वो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था. इस एमए डेवलपमेंट कोर्स या जो भी कोर्स में आप अप्लाई करोगे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में, इसमें रिटन एग्जाम में लास्ट में आपको एक एसे भी देता है कि कोई भी एक टॉपिक आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से, जो आपने चूज किया है वहां के लिए, उस कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट से आपको एक टॉपिक देगा और उस टॉपिक पे आपको एसे लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका एसे जैसा होगा, एसे से ज्यादा जज किया जाता है और एसे से पता चलता है कि मींस आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ओके? तो एसे का टॉपिक उतना हार्ड नहीं होता, इजी ही रहता है, सो आप एसे लिखने का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से मींस कॉन्सेप्ट रख सकते हैं सब चीजों का उस टॉपिक रिलेटेड, ताकि आपको एसे लिखने में मदद हो, और एसे अच्छे से लिखना है. सो ये तो रिटन का बात हो गया. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा देन यू कैन कमेंट बिलो, ओके? देन आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट, इफ यू विल बी सेलेक्टेड देन यू विल गेट अ मेल फ्रॉम अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड, ओके? सेलेक्शन होने के बाद आपको 1 week to 10 days मिलेगा आपके पर्सनल इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए. सो उस टाइम पे आपको अच्छे से पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है. अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है तो अभी भी आपके पास एक साल है, आप नेक्स्ट ईयर दोगे, आप अभी से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें और मतलब उसको अच्छा करें, क्योंकि लास्ट टाइम में यही होता है ना कि इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम होता है, सब ये पूछते हैं हिंदी में दे या इंग्लिश में दे. तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छा नहीं है तो अभी बहुत वक्त है, आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो.
सो देन फॉर द इंटरव्यू पार्ट आई वॉन्ट टू सजेस्ट दैट कि पहले तो वही कि अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करो, करेंट अफेयर्स देखो कि आप बर्निंग इश्यूज के बारे में देखो, उसके बाद है कि आप अपने जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है उसके बारे में बेसिक्स नॉलेज रखो, आपने जो कोर्स के लिए वहाँ मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है उसका करिकुलम, उसका सिलेबस वो भी देख के रखो फ्रॉम द साइड, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा इंटरव्यू मुझे लगता है अच्छा इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पूछा था और ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, वो इंटरेक्ट कर रहे थे और मुझे इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हुआ था मुझे ऐसा लगता है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि द रीजन फॉर द माई सेलेक्शन इज दैट कि हम इंटरेक्शन बहुत अच्छा से हुआ था, उन्होंने जितना भी पूछा मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस बताया। सो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी नेक्स्ट ईयर में अप्लाई करना चाहते हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में, उनके लिए अभी बहुत टाइम है, अभी एक साल है। सो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या आप और कुछ जानना चाहते हैं देन यू कैन कमेंट, ओके। एंड यस, आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन माई एक्सपीरियंस दैट कैसा लगा मुझे ये जर्नी, उतना ईजी नहीं था, और शुरू से लेके अभी तक जो मेरा एडमिशन हुआ है तो वो मैं एक वीडियो लाऊंगी, वो भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो मैंने पहले ले आया ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ओके। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो, ओके। आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, मैं और भी कोर्सेज के बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में न्यू वीडियोस लाऊंगी। सो वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।